आप ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए और उनसे जाकर कह दीजिए वो जितनी भी साड़ियाँ खरीदेंगे उन सब के पैसे हम दे देंगे। चलिए जल्दी कीजिए। जी एक मिनट। क्या हमने आपसे ये कहा कि हम ये साड़ी नहीं ले रहे हैं? कैसे दुकानदार हैं आप? हाँ, ये साड़ी पहले हमने पसंद की है, पैक कीजिए। जी आओ, अमृत को एक लुक दो। आइंदा इस बात का ध्यान रख। क्यों रुकी हो? निकलो वहां से फास्ट। एक मिनट। सामना करो निमृत, कमजोर मत पड़ो। देखिए इस साड़ी पर हमारा दिल आ गया है, आप कुछ और खरीद लीजिए। जवाब दो उसे, जवाब दो उसे। सुना नहीं तुमने? जवाब दो निमृत, कम ऑन क्विक। जी ये साड़ी हमने पहले पसंद की थी और साइड पर रखवाई थी। हाँ लेकिन ये साड़ी वाकई में हमें बहुत पसंद आई और जो चीज हमें पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आदत है ये हमारी। तो आप बताइए ये साड़ी के बदले हम क्या कर सकते हैं? अपनी आदत बदल लीजिए, बुरी आदतें जितना जल्दी हो सके बदल जानी चाहिए। किसी और की चीज पर अपना हक जमाना गलत होता है, इसलिए कह रहे हैं अपनी ये आदत बदल दीजिए। गुड फॉर यू। फैंटास्टिक नताशा, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट्स इट। ओए बनते, ओए टोल शोल का इंजाम किया कि नहीं? ओए जशन का टाइम आ गया है, पंगड़ा चंगड़ा पाना है, टोल मंगा। सुनिए जी, ये ढोल वोल किस वास्ते जी? ओए तेरी इतनी सी बुद्धि है, उसमें इतनी बड़ी बात तेरी समझ में कहाँ से आनी है? ओए माही मलिक महल वाला राजा बनने वाला है, अब धम धड़ा धम धूम धड़ाका तो होना चाहिए ना। ओए फौजी, ओए आज राजा बनते हुए देख लियो मेरे को। हाँ जी ताऊ जी, आज तो ये देखने आना ही पड़ेगा कि आप क्या बनते हैं। की कह रहे हैं? ओ पापा, आप इस महल के मालिक बनने वाले तो आप बड़े लोगों के तौर तरीके भी सीख लीजिए। रास्ते पर कोई भी ऐरा गैरा मिल जाए उसके साथ बात करना आपकी शान के खिलाफ है। जी? ओए, अगम कहाँ है? निमृत जी, आज मैं आपका महल वापस लेने जा रहा हूँ। आपको पता है जिसने हमेशा आपका अपमान किया मेरा कबाड़ी बाप, वो आज खुद अपने पैसों से आपका महल खरीदने जा रहा है।
चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपका महल हाथ से नहीं जाने दूंगा। आपके लिए अगम, कहाँ हैं आप? जान, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप तो मेरे पापा को अच्छी तरह से जानती हैं। अरे महल खरीदने का उनको तो जोश चढ़ा है। अब देखिए ना, खुशी के मारे सबसे जरूरी चीज घर पे ही भूल गए। ये चेकबुक, ये उन्होंने मेरे पास रखवाई थी, बस यही लेने के लिए चला आया। अच्छा, वेरी गुड। वैसे क्या मैंने आपको ये बताया कि आज आप वैसे की खूबसूरत लग रही? बताया तो नहीं, लेकिन ये बात हम पहले से जानते हैं कि हम खूबसूरत हैं। काश वो बेवकूफ लड़की हमें वो साड़ी दे देती, और अगर आज हमने वो साड़ी पहनी होती तो आज पैलेस नीलाम हो रहा है बाबा जी, और मैं हमारा घर वापस लेने जा रही हूँ। आपने हमेशा जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है बाबा जी, आज भी देना। इस जंग में मुझे हारने मत देना, मेरी मदद करना बाबा जी, मेरी मदद करना। अभी आते। गुड इवनिंग बीजी, कैसी हैं आप? सुनो, हमने अपने बैग्स पैक करवा के गाड़ी में रखवा दिए। ऑक्शन खत्म होते ही हम एक पल की भी देर नहीं करेंगे, फौरन अपने पैलेस में शिफ्ट हो जाएंगे। खुर्शील है तो हमारी बेटी, लेकिन उसका घर तो एक आम आदमी का है। दम घुटता है हमारा यहाँ। That's absolutely fine, बीजी। ये महल अब कुछ देर में फिर से हमारा हो जाएगा बीजी, और ये सिर्फ हमारी इज्जत का सवाल नहीं बल्कि हमारे स्टेटस का सवाल है। हमें याद है कि माँ ने हमें जाते हुए बद्दुआ दी थी कि ये महल हम खो देंगे, और आज उन्हें गलत साबित करके हमें बहुत सुकून मिलेगा। रानी साहिबा तो है ही बेवकूफ। ऑक्शन खत्म होते ही आप तुरंत हमें खबर कीजिएगा अमृत। ऑफ कोर्स बीच। गुड लक। इस नाम से हमें कभी मत पुकारना। आप यहाँ? हाँ, आखिरी बार इस महल के दर्शन करने आए हैं हम। बरसों पहले बहू बनकर हमने इस महल की दहलीज पार की थी। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इसकी छत्रछाया हमसे छिन जाएगी। बहुत कुछ पाया हमने यहाँ। आखिरी बार शुक्रिया अदा करने आए हैं हम। अगम जी और अमलिक जी भी यहाँ आए हैं, आप उनसे मिलेंगी? हरगिज नहीं, और उन्हें कहना भी मत कि हम यहाँ हैं। जिससे मिलने का दिल करता है
तो बहुत दूर चली गई। अब हमको किसी की शक्ल नहीं देखनी। तू जा यहां से। जी विजय कुमार जी। जी हाँ जी। तुम यहाँ? तुम्हारे पिताश्री ने बुलाया मुझे, कह रहे थे राजा बनने वाले हैं और मुझे ये नजारा जरूर देखना चाहिए। तुम लोग ये पैलेस जो खरीदने वाले? हाँ, मेरी बीवी और उनकी यादों के लिए। और उन यादों का क्या जो तुम्हारी अपनी थी? उनसे बड़ी जल्दी छुटकारा पा लिया तुमने। जिंदगी में काफी आगे निकल गए हो तुम। कौन अपने अतीत को वापस लौटा सकता है? जिंदगी में हर किसी को आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। यही गलती करता है इंसान। उसे लगता है अपने अतीत को भुला देने से उसका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। जब तक पुराने हिसाब चुकता ना हो जाए, अतीत हमेशा तुम्हारा पीछा करता है और एक न एक दिन सामने जरूर आता है इंसाफ मांगने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोढ़ी राज परिवार का ये शानदार महल आपके सामने है। अभी इस ऑक्शन की बिडिंग होने जा रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो इस महल का मालिक बन जाएगा। तो शुरू कीजिए बोली लगाना। 2 करोड़। 2.5 करोड़। 2 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़। चार करोड़ 50 लाख। 6 करोड़। 6 करोड़। 7 करोड़। 8 करोड़। 8 करोड़। और कोई है साहिबान तो ये महल आज 8 करोड़ में बिक जाएगा। आठ करोड़। अपनी आदत बदल लीजिए। बुरी आदतें जितना जल्दी हो सके बदल जाएंगी।
11 करोड़। क्या बात है साहिबान, अच्छी चीज के कदरदानों की कमी नहीं है आज। 11 करोड़ बोली लगाइए, और है कोई और मैदान में? 12 करोड़। तो पुत्र जी की कर रहे हो तुसी? मैं तो सोच के आया था 10 करोड़ से ज्यादा बोली लगनी नहीं, की हो रहा है? इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि आपसे ऊंची बोली लगा सके। है कोई मैदान में जो इससे ऊंची बोली लगाएगा? 12 करोड़ 13 करोड़। ये लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चौदह करो। पंद्रह करोड़। सोलह करोड़। देख कुड़िये, उसके बाद अगर बोली लगाई है ना तूने, तो पैसे भी तेरे को भरने पड़ने। मैंने हवेली नहीं खरीदनी बता दिया तेरे को। पर पापा, आप पीछे नहीं हट सकते, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कोई काहे की इज्जत है? वो इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसे होता है, हैं? कोई ईंट पत्थर की हवेली की इज्जत नहीं होती। कोई माई मलिक को पैसे की कदर मालूम है, कबाड़ी हूं मैं, हर चीज का दाम लगाना आता है मेरे को, हैं? 20 करोड़ में तो मैं 5 हवेलियां इकट्ठी कर सकता हूं। बात करती है, बीस करोड़, 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 बीस करोड़। मुबारक हो, तो ये महल आपका हुआ मिस नताशा। नताशा, नताशा ओबरॉय, नताशा ओबरॉय, नताशा ओबरॉय, नताशा ओबरॉय, यश ओबरॉय, यश ओबरॉय, यश ओबरॉय, यश ओबरॉय।
जाओ बेटे, अपना घर ले। ये रही आपके महल की चाबी मिस ओब्रॉय।